नमस्कार दोस्तों, मैं अक्षय आज आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल गुरुजी होम्स में। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ 3 BHK का फ्लैट। जी हाँ, 3 BHK का फ्लैट लेकर आया हूँ। लोनेबल प्रॉपर्टी है, बहुत प्यारी, बहुत ही प्यारी मेकिंग में हमने ये फ्लैट बनाया है। बहुत अच्छा फ्लैट है, एल टाइप का ये फ्लैट है जिसमें 2 बालकनी आपको मिल जाती है। फुल्ली फर्निश, सेमी फर्निश दोनों ही ऑप्शन हम आपके लिए लेकर आए हैं। ये जो फ्लैट है ये कहाँ लोकेटेड है? ये द्वारिका मोड़ में लोकेटेड है। द्वारिका मोड़ में बहुत अच्छे स्पेस में, बहुत अच्छी जगह, गेटेड कम्युनिटी है अपार्टमेंट कॉन्सेप्ट में। जी हाँ, एक वीडियो हमने आपको बहुत पहले बनाई थी जिसमें हमने 2 BHK के फ्लैट आपको इसमें दिखाए थे। अब उसी अपार्टमेंट में हमने आपके लिए 3 BHK के फ्लैट रेडी कर दिए हैं और उसी फ्लैट में मैं अभी बैठा हुआ हूँ। अगर आपको ये वीडियो देखनी है और जानकारी चाहिए, क्या क्या इसमें हम आपको देने वाले हैं, कितना स्पेस है, क्या वर्क हम आपको इसमें करके देने वाले हैं, तो बने रहिए मेरे साथ और एक छोटा सा सिनेमैटिक व्यू लीजिए। ये जो आप फ्रंट में देख रहे हैं ये हमारी बिल्डिंग का फ्रंट एलिवेशन है। गोपाल धाम सोसाइटी नाम है हमारी बिल्डिंग का। पूरा कॉन्सेप्ट 600 गज का है जिसमें हम आपको 36 फ्लैट प्रोवाइड करते हैं। आगे हमने शॉप का प्रोविज़न दे रखा है। जो फ्लैट की एंट्रेंस और एग्ज़िट है आपको इस साइड से मिल जाएगी। इस साइड से आपको फ्लैट के अंदर एंट्री करनी है। सिक्योरिटी गार्ड का प्रोविज़न हमने दे रखा है, सिक्योरिटी गार्ड लगा के दे रहे हैं हम आपको। आइए अब मैं लेके चलता हूँ इस अपार्टमेंट के अंदर आपको। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया रोड है, कितना बड़ा रोड है। अच्छे स्पेस में आपको ये रोड मिल जाता है। 25 फुट का आपको ये रोड मिल जाता है। सेपरेट आपको पूरा ये अपार्टमेंट मिल जाता है। आगे कोई मूवमेंट नहीं रहेगी, गेटेड है, गली बंद है, आपको रोड पूरा क्लोज मिल जाएगा। अदर प्रॉपर्टी उस साइड है हमारी, यहाँ से लेके वहाँ तक पूरी सोसाइटी हो जाती है। आइए अब मैं लेके चलता हूँ इसी बिल्डिंग के आपकी पार्किंग के अंदर। पार्किंग कितनी बड़ी पार्किंग है आप देख सकते हैं। ये स्पेस आपको पार्किंग का मिल जाता है। पार्किंग 400 गज की है। टोटल जो एरिया मिलता है आपको 400 गज का है जिसमें आपको कार पार्किंग मिल जाती है। आइए इस एरिया में आपको मिल जाता है लिफ्ट का स्पेस। लिफ्ट का स्पेस हम आपको यहाँ लगा के दे रहे हैं। मीठे पानी का कनेक्शन आपको यहाँ मिल जाता है। सर्वेंट के लिए वॉशरूम आपको वहाँ कॉर्नर में बना के दिया जा रहा है। ठीक है, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट में हमने आपको ये बिल्डिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। आइए अब मैं लेके चलता हूँ इसी बिल्डिंग के फ्लैट में जिसकी हम वीडियो दिखाएंगे आपको। स्वागत करता हूँ मैं अपने फ्लैट में, अपने 3 BHK के फ्लैट में जो हमने आपके लिए रेडी किया है।
अब मैं बताना चाहूँगा इस फ्लैट में हम आपको क्या क्या देने वाले हैं। इस फ्लैट में आप जैसे ही एंटर करते हैं, एक बहुत ही अच्छे साइज़ में, बहुत ही अच्छे स्पेस में आपको मिलती है यहाँ पे लिविंग रूम। लिविंग रूम आप देख सकते हैं, इस एरिया में हमने आपको सोफ़ा प्रोवाइड कर रखा है, बहुत अच्छे स्पेस में हमने आपको सोफ़ा प्रोवाइड कर रखा है। आपको 7 सीटर का सोफ़ा मिल जाता है, बीच में सेंटर टेबल मिल जाती है, 2 पफे हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया स्पेस में हमने यहाँ सोफ़ा सेट कर रखा है। जस्ट सामने आप देख सकते हैं एक आपको टीवी पैनल मिलता है, टीवी पैनल का साइज़ बहुत अच्छा है, इंडोर वायरिंग है इसमें। नीचे हमने आपको, मैं इस लिविंग रूम का साइज़ बता देता हूँ, 16x12 का लिविंग रूम आपको मिल जाता है इस फ्लैट में, जिसमें आपको हर चीज़ मिलेगी। वॉल्स में हमने वुडन वर्क विद ग्लास यूज़ कर रखा है, ऊपर फॉल सीलिंग देख सकते हैं, प्रोफाइल लाइट हम इसमें यूज़ करके दे रहे हैं, सिस्का की LED लाइट्स है, स्प्लिट AC की फिटिंग हमने आपको यहाँ दे रखी है। इधर एक बॉक्स लगा रखा है, यूज़ हमने बहुत अच्छा कर रखा है, आप देख सकते हैं कितने प्यारे लुक में हमने AC की फिटिंग कर रखी है। आप देखिए जस्ट लिविंग रूम, लिविंग रूम तो इतना प्यारा है ही, लिविंग रूम के साथ साथ इधर किचन की लुक देखिए, कितनी प्यारी किचन है। किचन आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि कितना अच्छा वर्क कर रखा है। यू शेप की किचन आपको मिल जाती है, यहाँ पे आपको चिमनी प्रोवाइड की गई है, चिमनी के साथ सैनिटरी, जैगवार की सैनिटरी हम इसमें यूज़ कर रहे हैं। जी हाँ, आप ये देख सकते हैं कितना अच्छे शेल्फ है इसमें, यहाँ RO रखने का स्पेस आ जाता है आपका किचन में। यहाँ आपको अच्छे से शेल्फ दे दिए गए हैं, मसालों के डिब्बे आप आराम से रख सकते हैं। इस साइड को देखिए, पूरा वर्क कर रखा है। इस साइड आपको मिल जाता है सिलेंडर रखने का स्पेस, ड्रम्स रखने का स्पेस, आपके बड़े बड़े बर्तन रखने का स्पेस। किचन के अंदर आप जो भी सामान रखेंगे वो आपका अंदर ही कवर रहेगा, कुछ भी चीज़ आपकी बाहर नहीं दिखाई देगी। किचन के अंदर ही हमने आपको रेफ्रिजरेटर रखने का स्पेस छोड़ रखा है, रेफ्रिजरेटर रखने के लिए हमने एक पूरा एरिया कवर बिल्कुल फ्री छोड़ रखा है। यहीं इसका बोर्ड है, आप यहाँ रेफ्रिजरेटर प्लेस कर सकते हैं। इसकी लुक देखिए, किचन का एक सिनेमैटिक व्यू लेके आपको हैंगिंग लाइट मिल जाएगी, आपको यहाँ ग्लास वर्क मिल जाएगा, बढ़िया से चिमनी मिल जाएगी, बहुत ही रॉयल लुक में हमने आपको ये किचन प्रोवाइड की है। अब ये था हमारा किचन। लिविंग रूम से अटैच ही हमारा कॉमन वॉशरूम है। कॉमन वॉशरूम देखिए कितना प्यारा है, कितना अच्छे स्पेस में है, क्या हमने वर्क करके दे रखा है। ये हमारा वॉशरूम है, काफ़ी स्पेशियस वॉशरूम है। टॉप टू बॉटम हमने इसमें टाइल वर्क यूज़ कर रखा है, यहाँ पे हमने मिरर ये लगा रखा है, मिरर के ऊपर हमने लाइट लगा रखी है। शावर का स्पेस देखिए, पूरी सैनिटरी जैगवार की है, इतनी प्यारी सैनिटरी, जैगवार की सैनिटरी हम इधर यूज़ कर रहे हैं, है ना। डोर आप देख सकते हैं कितना प्यारा डोर है, ऊपर तक का डोर है ना। यहाँ पे हमने जो सीट यूज़ कर रखी है, वॉल हैंगिंग सीट यूज़ कर रखी है, जिसके ऐप से भी आपको यहाँ मिल जाती है। आपका स्टोरेज है, यहाँ पे आपको वेंटिलेशन का सोर्स मिल जाता है। वॉशरूम से ही आपका बाहर एंग्जाइटी ना फील हो, कोई सफोकेशन फील ना करे, इस वजह से हमने यहाँ पे विंडो का भी प्रोविज़न दे रखा है। ये था हमारा लिविंग रूम। लिविंग रूम बहुत प्यारा है, आप देख भी पा रहे होंगे कितना अच्छा रूम है। आइए अब मैं लेके चलता हूँ इस फ्लैट के सबसे पहले बेडरूम में। बेडरूम बहुत प्यारा बनाया है, आप देखेंगे स्पेस बहुत प्यारा है। आइए, आप जैसे ही एंटर करते हैं, एंटर करते ही आपको दिख जाएगा कि आपको एक बड़ा सा किंग साइज़ का डबल बेड मिलता है। डबल बेड आप देख सकते हैं कितना प्यारा है। इसी बेडरूम में हम आपको क्या क्या दे रहे हैं, इस साइड हमने आपको ड्रेसिंग का स्पेस दे रखा है, कॉस्मेटिक का सामान आप यहाँ प्लेस कर सकते हैं, ड्रॉस हम आपको यहाँ दे रहे हैं। जस्ट इसी के साथ हमने यूज़ कर रखा है आपका टीवी पैनल। टीवी पैनल देखिए कितना प्यारा टीवी पैनल है, बड़े साइज़ का टीवी पैनल आपको मिल जाता है, बहुत ही अच्छा। टीवी पैनल के साथ साथ इस बेडरूम में हमने आपको अलमीरा भी प्रोवाइड कर रखी है। अलमीरा देखिए कितनी प्यारी अलमीरा साइड आपको मिल जाती है। अलमीरा जो अलमीरा है, स्लाइडिंग डोर हम इसमें यूज़ कर रहे हैं, आप देख सकते हैं नीचे से ऊपर तक काफ़ी अच्छा स्टोरेज का सामान रखने का प्लेस दे रखा है हमने। ऊपर भी हमने आपको शेल्फ दे रखे हैं हाइड्रोलिक लॉक के साथ, जी हाँ आप देख सकते हैं। और इसी बेडरूम में आप देख सकते हैं कि हमने जहाँ डबल बेड लगा रखा है, जस्ट उसके पीछे हमने कुल्टिंग वर्क यूज़ कर रखा है। यहाँ पे आप साइड्स में देख सकते हैं लैंप्स का यूज़ हमने कितना प्यारा कर रखा है। फैंस इसमें आपको मिल जाते हैं, ऊपर से फॉल सीलिंग का वर्क, कितना प्यारा फॉल सीलिंग का वर्क है। लाइट वर्क देखिए, इसी फ्लैट में आपको विंडो का भी प्रोविज़न मिलता है। विंडो आप देख सकते हैं कितनी प्यारी विंडो है, अच्छी ह्यूज साइज़ की विंडो है। विंडो AC का प्रोविज़न इसमें आपको मिल जाता है। और जो हमने विंडो में रेलिंग यूज की हैं वो स्टील की रेलिंग है, जी हाँ ये स्टील की रेलिंग है जो आप देख पा रहे हैं, बहुत ही प्यारी विंडो है,
ये था हमारा पहला बेडरूम जो आपका 3BHK का था। अब मैं लेके चलता हूँ इसमें दूसरे बेडरूम में। ये जो आपका बेडरूम है, इस बेडरूम से बालकनी कनेक्ट है। इसमें इस फ्लैट में दो बेडरूम में बालकनी कनेक्ट है। बड़ी बालकनी है दोनों, बहुत अच्छे स्पेस में। एक जगह आप सेटिंग यूज़ कर सकते हैं और एक जगह आप अपनी वॉशिंग एरिया यूज़ कर सकते हैं। अब जिस बेडरूम में मैं घुस रहा हूँ, जिस फ्लैट में एंटर कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं फिर से एक डबल बेड का एरिया हमने आपको दे रखा है। डबल बेड के साथ दो साइड अलमीरा दे रखी है। दो साइड अलमीरा हम प्रोवाइड तो कर रहे हैं, लेकिन आप उसका साइज़ देखिए कितना बढ़िया साइज़ है। ये देखिए इतने बड़े बड़े साइज़ की आपको अलमीरा मिल रही है। स्टोरेज की, जो स्टोरेज एक मेन समस्या भी होती है लोगों की और लोगों का कंसर्न होता है, वो हम आपको पूरा प्रोवाइड कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ऊपर भी स्टोरेज रहेगा आपका, नीचे हमने शेल्फ प्रोवाइड कर रखे हैं। आप देख सकते हैं नीचे हमने लाइट का प्रोविज़न दिया है, यहाँ पे ड्रॉस दे रखे हैं हमने। जस्ट इस बेडरूम के साथ आपको सेम एज इट इज़ एक और अलमीरा यहाँ प्रोवाइड की जा रही है। सेम अलमीरा है, इस डबल बेड के साथ हमने पीछे कुल्टिंग का वर्क यूज़ कर रखा है। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया ह्यूज साइज़ का बेड मिल जाता है। बेड के साथ साथ अलमीरा प्रोवाइड की जा रही है। अब इसी फ्लैट में सामने ही डबल बेड के जस्ट सामने ही आपको मिल जाता है आपका टीवी पैनल। टीवी पैनल देखिए कितना प्यारा टीवी पैनल है। स्टोरेज का मैं क्या बोल रहा हूँ फिर से मैं बताना चाह रहा हूँ, स्टोरेज के लिए बहुत सारी चीज़ें हमने इसमें प्रोवाइड की है। आप देखिए यहाँ टीवी पैनल है, यहाँ पे आप ड्रॉस रख सकते हैं, अपना सेटअप बॉक्स सेट कर सकते हैं। ये देखिए, और इसी फ्लैट की हर फ्लैट की अलग अलग फॉल सीलिंग, अलग अलग लाइट वर्क। ऊपर देखिए कितना प्यारा फॉल सीलिंग वर्क है, कितनी अच्छी हमने लाइटिंग का यूज़ कर रखा है। ये था हमारा फ्लैट, हमने फ्लैट के अंदर क्या क्या वर्क कर रखा है वो मैंने दिखाया। अब मैं लेके चलता हूँ इस फ्लैट की सबसे पहले बालकनी में। ये आ जाती है हमारी बालकनी। बालकनी का स्पेस आप देख सकते हो, बहुत ही बड़े साइज़ की आपको बालकनी मिल जाती है। सामने ही हमने स्टील ग्लास यूज़ कर रखे हैं, स्टील की रेलिंग है। स्टील की रेलिंग के साथ हम प्रोवाइड कर रहे हैं आपको टफन ग्लासेस। यहीं पे आपको स्टील की रॉड लगा के देंगे जिसमें आप कपड़े धो के सुखा सकते हो। जस्ट इधर ही इसी स्पेस में हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं आपकी वॉशिंग एरिया का स्पेस। आप देख सकते हो यहाँ पे हमने वॉशिंग एरिया का स्पेस छोड़ रखा है आपके लिए, है ना। आप इधर भी टैप वैप यूज़ कर सकते हैं, वॉशिंग मशीन रख सकते हैं। आइए ये था हमारा दूसरा बेडरूम। अब मैं आपको लेके चलता हूँ अपने तीसरे बेडरूम में जो है हमारा मास्टर बेडरूम। बहुत प्यारा बेडरूम है, बेडरूम के साइजेस बहुत प्यारे हैं। 12x12 के सारे बेडरूम हैं, है ना। आपको पता भी लग रहा होगा कि कितना प्यारा साइज़ है, कितना अच्छा साइज़ है। आप देख सकते हैं सेम वर्क है हमारी इस बिल्डिंग में और इस फ्लैट में। हम इधर फिर से टीवी पैनल हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। टीवी पैनल के साथ साथ एक अलमीरा और प्रोवाइड कर रहे हैं हम लोग। अलमीरा का साइज़ बहुत बड़ा है। स्टोरेज का मैं फिर बताना चाहूँगा, स्टोरेज की किसी भी प्रकार की समस्या आपको नहीं आने वाली इस फ्लैट में। आप देख सकते हो डबल बेड भी आ गया आपका, आपकी अलमीरा यहाँ लग गई है, टीवी पैनल का स्पेस आपके पास आ गया है, डबल बेड का स्पेस आप देख लीजिए। यहाँ पे हमने ड्रेसिंग, एक और ड्रेसिंग दे दिया है। ड्रेसिंग के साथ साथ आपको मिल रहा है यहाँ पे स्टोरेज के लिए साइड टेबल भी यूज़ कर रहे हैं हम लोग, है ना। विंडो एसी का प्रोविज़न हम आपको इधर दे रहे हैं। ऊपर आप देख सकते हैं कितनी प्यारी लाइटिंग का वर्क हमने कर रखा है इस पूरे फ्लैट में। ये था हमारा फ्लैट का वर्क। हमने इस फ्लैट में, इस पूरे फ्लैट में वुडन वर्क बहुत ही प्यारा कर रखा है। लेटेस्ट आपको मिल जाता है वुडन वर्क इस पूरे द्वारिका मोड में। इतना अच्छा काम किसी ने नहीं किया होगा। अब मैं आता हूँ इस फ्लैट के मास्टर बेडरूम के वॉशरूम में। वॉशरूम का साइज़ देखिए कितना प्यारा है, कितना अच्छा स्पेस है वॉशरूम का। आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा वॉशरूम है आपका ये। आप देखिए हमने मिरर यूज़ कर रखा है, शावर यूज़ कर रखा है और आपको सीट मिल जाती है वेस्टर्न। वॉश मशीन का स्पेस देखिए, टॉप टू बॉटम हमने टाइल वर्क यूज़ कर रखा है। फ्लोरिंग भी हमारी इसमें टाइल का है। ये था हमारा दूसरा फ्लैट।
मैंने आपको क्या बताया था, ये फ्लैट जो है एल टाइप का है, तीनों बेडरूम में वेंटिलेशन बहुत अच्छा है, चारों तरफ से आपको हवादार फ्लैट है। अब इस फ्लैट का मैं दिखाऊंगा आपको बालकनी, बालकनी इधर से कनेक्ट हो जाती है आपकी, आप देखिए। अब जैसे ही मैं बाहर आता हूँ आपको मिल जाएगी एक बालकनी, आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी बालकनी है, कितना बड़े स्पेस में बालकनी है। आप इधर वॉशिंग एरिया भी यूज़ कर सकते हैं, टैप का हमने स्पेस आपको यहाँ पे भी दे रखा है, आप सेटिंग भी कर सकते हैं। बहुत ही प्यारे वर्क में हमने आपको ये बालकनी प्रोवाइड की है। बालकनी में हम आपको क्या क्या प्रोवाइड करके दे रहे हैं, बालकनी में टाइल वर्क हमने यूज़ कर रखा है, नीचे भी टाइल वर्क हो रखा है हमारा, और आपकी जो वॉल्स है उधर भी हमने टाइल यूज़ कर रखी है। सामने ही आपको स्टील की रेलिंग मिल जाती है, इस एरिया में हमने स्टील की रेलिंग दे रखी है। आइए मैं आपको इस फ्लैट की और डिटेल्स देता हूँ। दोस्तों ये था हमारा 3 BHK का फ्लैट जो अवेलेबल है, और ये किस लोकेशन में है, ये है द्वारिका मोड़ में। द्वारिका मोड़ से कितनी दूर है, द्वारिका मोड़ से 500 से 600 मीटर की दूरी में आपको ये फ्लैट मिल जाता है। अपार्टमेंट कॉन्सेप्ट में आपको ये फ्लैट मिल जाता है, बहुत ही एक्सलेंट वर्क में हमने किया है, बहुत मेहनत करके हमने ये फ्लैट बनाया है। तो अगर आपको ये फ्लैट अच्छा लगा और मेरी वीडियो अच्छी लगी तो नीचे दिए नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कीजिए, कुछ छोटी मोटी क्वायरी हो आप बिल्कुल हमसे पूछिए, आपको रिस्पॉन्स किया जाएगा, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब मैं बताता हूँ इस फ्लैट में हम आपको क्या क्या प्रोवाइड करने वाले हैं। हम इस फ्लैट में आपको फुल्ली और सेमी फर्निस दोनों प्रोवाइड करेंगे। फुल्ली के चार्जेस अलग हैं और आपको सेमी फ्लैट के अलग हैं। सेमी फ्लैट में हम आपको क्या क्या प्रोवाइड करेंगे, सेमी फर्निस फ्लैट में हम आपको देंगे मॉड्यूलर किचन, जो आपको पूरा मॉड्यूलर किचन में दिखेगा। आपको हम इसमें अलमीरास प्रोवाइड करेंगे, जितना भी लाइट वर्क है हम वो आपको प्रोवाइड करके देंगे, वॉलपेपर वर्क करके देंगे, फिटिंग्स आपको सारी ब्रांडेड देंगे, इंडोर सारी आपको वायरिंग मिल जाएगी, और क्या चाहिए। नीचे सिक्योरिटी गार्ड बैठा हुआ है, अपार्टमेंट कॉन्सेप्ट में मिल रहा है, आइए और ले जाइए। जय गुरु।